आयरन बॉक्स एक पराठा। एक गांव में रामनाथ नाम का एक धोबी हुआ करता था। रामनाथ उसकी पत्नी राधाबाई तालाब के पास कपड़े धोते थे। फिर रामनाथ उन कपड़ों को अच्छे से इस्त्री करता था। ये काम उनके बेटे आलोकनाथ को बिल्कुल नहीं पसंद था। एक दिन रामनाथ बहुत बीमार पड़ गया। वो आलोकनाथ को बुलाकर, बेटा अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, हमारे परिवार के कारोबार को अब तुम्हें ही आगे ले जाना होगा। बेटा मैं तुम्हें जो सबसे कीमती जायदाद में दे रहा हूँ वो क्या है जानते हो? ये अमूल्य स्त्री। मेरे बाद तुम ये स्त्री को इस्तेमाल करके जीवन में बहुत आगे तक जाओगे, ये मेरी आशा है बेटा। यूं कहा आलोकनाथ को बहुत गुस्सा आया। क्या स्त्री से जिंदगी में बहुत आगे तक जाना है क्या? मैं कुछ चार अक्षर लिख सीख कर कोई ऑफिस में नौकरी करने का सोच रहा हूँ, तो आप अपने ये खटारा स्त्री के डब्बे को मेरे सर पर रखना चाहते हो? बेटे के लिए खूब पैसे जायदाद छोड़कर जाने वाले लोग भी आपके जितना गर्व महसूस नहीं किए होंगे। मैं मर भी जाऊँ तो तुम्हारी वो स्त्री इस्तेमाल नहीं करूँगा, बस। यूं कहा रामनाथ दुखी हुआ। राधाबाई, अरे बीमार पिता से कोई ऐसे बात करता है क्या? तुम्हारे पिताजी को क्या समझते हो रे तुम? आयरन बॉक्स पकड़ने वाले आयरन मैन है रे। वैसे आदमी तुम्हें अपना आयरन बॉक्स देने की कहे तुम मना कर रहे हो, पहले उनसे माफी मांगो। यूं कहा आलोकनाथ बेकार में बहस क्यों करे सोचकर, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपका आयरन कभी ठंडा ना पड़े ऐसे देखूंगा। यूं कहा रामनाथ खुशी से, ये वचन मुझे दो बेटा। राधाबाई, क्या सोच रहे हो रे, तुम्हारे पिताजी के सर पर हाथ रखकर वचन दो। यूं बोली। आलोकनाथ कुछ नहीं कर सका तो पिता के सर पर हाथ रखकर कसम खाया। कुछ दिन बाद रामनाथ गुजर गया। एक दिन फिर राधाबाई, ये लो बेटा अब इसे काम शुरू करो। यूं बोली आलोकनाथ, क्या शुरू करूं? मर भी जाऊं तो मैं दूसरे लोगों के कपड़े इस्त्री नहीं करूंगा, बस। राधाबाई, यानी तुम्हारे पिताजी के सर पर जो कसम खाई उसे तोड़ दोगे बेटा? वैसे करोगे तो उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी किसी बीमारी से खुद मर जाऊंगी, तब तुम खुशी से जीना। यूं रोना शुरू की। आलोकनाथ, बा माँ मेलो ड्रामा बंद करो, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं स्त्री से व्यापार करूं, बस वही ना? हाँ बस वही चाहिए बेटा, बस। तो फिर चार दिन रुक जाओ, मैं इसे कुछ ना कुछ कर लूंगा। आलोकनाथ अच्छे से सोचकर गांव में एक पराठा सेंटर शुरू किया। उस स्त्री के ऊपर पराठा बनाने लगा। वैरायटी के लिए पराठा अच्छे से बनने के बाद उस पर बॉइल्ड एग डालकर मसाला लगाया, एक पराठा बनाने लगा। वो आयरन बॉक्स एक पराठा कॉन्सेप्ट नया होने की वजह से लोग भर भर कर उसके सेंटर पर आने लगे। सब वो एक पराठा खाकर आलोकनाथ की खूब प्रशंसा किए। आलोकनाथ इतना डिमांड होगा ऐसे बिल्कुल नहीं सोचा था। जल्द ही आलोकनाथ का आयरन बॉक्स एक पराठा पूरे राष्ट्र में मशहूर हो गया। फूड चैनल्स वाले उसके यूं स्त्री पर पराठा बनाना शूट करके आलोकनाथ के पास इंटरव्यू लेने आए। टीवी पर, बिना पोल्यूशन के पराठा बनाने वाला इको फ्रेंडली मैन द ग्रेट आलोकनाथ, यूं उसकी प्रशंसा करने लगे। आलोकनाथ समझ नहीं पाया कि वो सच है या कोई सपना। इस तरह वो स्त्री पर एक पराठा बनाकर खूब पैसे कमाने लगा। वो देखकर राधाबाई बहुत खुश हुई। एक दिन आलोकनाथ पराठा बनाकर राधाबाई को देकर, मुझे माफ करो माँ, मैंने पिताजी के स्त्री डब्बे को बहुत नीचा करके देखा, वो इससे किसी तरह जिंदगी में तरक्की करना यूं बोले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन आज उनके दुआएं काम आए। मैं किसी और के नीचे नहीं बल्कि खुद चार लोगों को काम पर लगा सका। उनका अगर स्त्री डब्बा ही नहीं होता तो ये सब कभी नहीं हो पाता। राधाबाई, इसीलिए बेटा कहते हैं बड़ों की बात माननी चाहिए, वो हमेशा भले के लिए होता है, कहते हुए आशीर्वाद दी।